एक चाय बना दियो भाई। ये क्या है भाई तुम्हारे सामने खंडर सा बंद पड़ा? खंडर ना वैसे भी इसके अंदर पान मिला है। अच्छा, अबे पान के तो बहुत बड़े आशिक हैं हम, तुम चाय रहने दो, पान खाएंगे आज। बस सुन तो लेता। हाँ पान चाहिए था भाई साहब। ओ कोटबट में बात कर रहा, मिल जाएगा पान तो खिलवाओ। कौन सा खागा? श्रीमान निया जासमीन, कौन सा खागा बता? भाई साहब पान को कह रहा हूँ मैं, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ? भैया कौन सा खागा? मीठा खागा, कत्थे का खागा, 00 का खागा, कौन सा खागा बता तो? मीठा खिलवाओ। जासमीन आ जा। आओ पान खिलाओ। आओ क्या, अंदर को आओगे तभी तो खिलाऊंगी पान। आओ। अरे अंदर से क्या मतलब है, यहीं पे खिलाना? पागल है क्या तू, पहली बार आया है कि कोठे पे? अंदर को आ, कमरा बंद करके जभी तो खिलाऊंगी तुझे पान। उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है, अंदर से क्या मतलब है, कौन सा पान है भाई अंदर? चूतिए, ये वाला पान मिलेगा अंदर। बहन के लोले बदतमीजी बोल रही तू, अभी बताऊंगा देखती है। सर एक मिनट सर, सर गलती हो गई सर, आज के बाद में होगी सर। सर जैसा आप सोच रहा हूँ मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ सर, मैं तो बस ऐसे टहलते टहलते आ गया था। टहलते टहलते है कोठे पे टहल लिया तू, यहाँ तुझे ससुराल होगी। यहाँ पे ये दोनों, यहाँ क्या कर रहा हो तुम? अबे यहीं तो काम करता हूँ मैं। अच्छा और बलदेव भाई तुम क्या करने आए हो यहाँ? मैं माचुत बारी हूँ, अब भोसड़ी के दिखना रही है तुझे, जब काम कर रही हूँ तो काम ही कर रही हूँ। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ यार, मैं भट्टे पे जा रही था काम पे लगने के लिए, मुझे यही लगा लो ना अपने साथ, दिल भी लगता रहेगा तीनों का। कह तो सही रिया, आ इसके काम के मालिक से बात करते हैं। मालिक। अबे ये है तेरा मालिक? तू कैसे जानता भाई मुझे? जानता हूँ। अबे कल जो तुम कोठे पे थे, पुलिस लेके जा रही तुम्हें, तुम हेलमेट लगा के भाग रहे, मैंने ही तो पकड़वाया तुम्हें, पुलिस मैंने ही तो बुलाई थी, तुम इतनी जल्दी भूल गए यार। मालिक क्या हुआ? क्या हुआ साले कुत्ते, तूने पूरी गांव में मेरी इज्जत खराब करवा दी, बच्चा बच्चा तक मुझे जलील कर रहा है और तू पूछता है क्या हुआ? अबे रोज रोज बिरयानी खाकर थक गए थे तो सोचा आज कोरमा खाकर आए, तो इसमें गलत क्या करा? वह मालिक साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, कोरमा खाने गए, लेने गए हूँ। तो बिटी चोद इस बात को क्या खुल के बतागा, तेरी वजह से साले मेरी बहू छोड़ के भाग गई, और चार साले हैं मेरे, उन्होंने पता है कितना मारा मुझे, और सास सास ने तो फुगनी फेरी है मुझ पे। चलो मालिक साहब गलती हो गई, अब रख लो काम पे। काम पे रख लो? तेरी वजह से जेल काट के आया हूँ और तुझे काम पे रख लूं? निकल जाए यहाँ से, जा कबर बिजू। सोच लो अगर मुझे न रखोगे ना काम पे, तो ये दोनों दोस्त है मेरे पक्के वाले, ये भी काम छोड़ के चले जाएंगे, मेरी झाटों में मिल जाएगी टाल पाल तुम्हारी। अबे चल बे भालू, हम तेरे चक्कर में अपनी नौकरी क्यों छोड़ेंगे, चल बे चल काम पे। कार बहुत महंगी है फरारी की, माँ का भोसड़ा ऐसी यारी की। अरे सेलमपुर की ट्राली भिजवाई के नहीं भिजवाई अभी तक? और मुंशी जी मैं कह रही हूँ अपने भट्टे पे मुझे काम पे रख लो यार, मुंशी जी खाली हूँ इन दिनों। चल ठीक है रख लूंगा। तुम मुझे मुंशी जी हिसाब किताब लगाने पर रखो, मिनटों सेकंडों में लगा देता हूँ हिसाब किताब। अच्छा भाई पढ़ा लिखा है तू? अरे चूतिया हो गया यार, पढ़ा लिखा हूँ जब भी तो हिसाब किताब की बातें कर रहा हूँ, मैथ से डबल एम ए कर रखा। अच्छा भाई तो ये बताइए 5000 ईंटों में से 2000 ईंटें कम कर दी तो कितनी ईंटें बची? 4500। बहुत बढ़िया बेटे, तेरे हाथ में अगर हिसाब दे दे तू तो 2-4 दिन में भट्टे की मार चोद देगा। तेरे हिसाब से ईंटें उठाने का काम है वो करे तो बता। आई एम सॉरी मुंशी जी, ईंटें नहीं उठा पाऊंगा मैं। तो फिर कहीं और काम ढूंढ ले भाई। बताओ कौन सी ईंटें कहाँ रखनी है? ये वाली ईंटें ट्राली में लोड करवा। ये तो बहुत ईंटे हैं। अरे मुंशी जी यार ये बहुत सारी ईंटे हैं, ये मुझसे नहीं उठेंगी, कोई और काम बताओ तुम। अरे यार तेरे लिए सिर्फ यही काम है, नहीं तो जा भाई अपने घर। बहन की लोड़ी का बावला कर रहा हूँ मुंशी जी, कर लूंगा ये, तुम चुतर चुतर मत करो, मैं बैठे बैठे सब कर लूंगा। यार क्यों ना नडवर और बलदेव को भी यहीं लाया जाए, काम तो काम है। हाँ यार उन्हें बुला के लाऊं यहीं और यहीं लगवाऊं काम। देवराज भाई मैं कह रहा था खर्चों में कुछ दिक्कत चल रही है,
पैसे बढ़ा देते थोड़े सारे। अबे ओ पैसे वैसे ना बढ़ेंगे, तू भी मेरी तरह सेकंड इनकम कमाना, ओक्टा एफएक्स है, मैं भी वहीं से कमाता हूँ। बहुत कमा रहे हो क्या आप? कमा सकता हूँ लेकिन मैं अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, 15 से 20 हजार रूपए हर मंथ कमा लेता हूँ और ये मेरे लिए बहुत है। ये बहुत अच्छा है, मुझे भी बताओ ये। मैंने बताया था ओक्टा एफएक्स एक ट्रेडिंग ऐप है, हाल ही में इसको द बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया 2021 का अवार्ड भी मिला है। अच्छा, और ओक्टा एफएक्स बनाई गई है दिल्ली कैपिटल्स की प्रिंसिपल स्पॉन्सर 2022 में। इस ऐप में तो ट्रेड कर सकता है 35 करेंसी से, पेयर्स, गोल्ड, इंडीज, क्रिप्टो, और वो भी बिना कोई कमीशन। तुमने ट्रेड करना कैसे सीखा? जो विनर्स हैं इन्वेस्टिंग के लिए वो उन्हें देते हैं सारा एडिशनल कंटेंट जो जरूरी है, और विनर्स को देते हैं 24 घंटे सातों दिन सपोर्ट, और एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या? डेमो अकाउंट कॉन्फिडेंट फिल करते ही स्विच करना है रियल अकाउंट पर, रियल प्रॉफिट के लिए। तू बस 3,000 रुपए से स्टार्ट कर सकता है और अपना प्रॉफिट तू विड्रॉल कर सकता है बैंक अकाउंट, यूपीआई और क्रिप्टो वॉलेट, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये बढ़िया है, मुझे सीखना है और कमाना है। ओक्टा एफएक्स के साथ कोई भी कर सकता है। सो गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाओ, वहां पर मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव 50% का बोनस, और एक्स्ट्रा इनकम कमाओ यार। चल बे गाड़ी निकाल, आज गांव वालों से भी खाना है। जाओ पूरे गांव से हफ्ता लेके आओ, और हफ्ता भी डबल होना चाहिए। ठीक है भाई। अबे देवराज, वे टॉप ऊपर करिए जरा। तू यहाँ हुआ, तू वही है ना जब मैंने सरपंच को पेला था तो तू कुछ कह रहा था? हाँ आप बता क्या कह रहा था। ना देवराज भाई, ये बात नहीं मानूंगा आपकी, मैं हो ही ना सकता, मैं रहता ही ना हूँ ज्यादातर गाँव में। इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? ना यार कसम से देवराज भाई, यकीन मानो, और देखियो मेरा तो हाथ तलक खराब है, हाथ का इलाज करवाता फिर रही हूँ, ये चलता ही ना मेरा एक हाथ, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हैं? हाथ खराब है तेरा? ओहो ले तो ले, छड़ी रख ले, इसे बेच के अपने हाथ का इलाज करा लिए। पर यार ये भारी बहुत है, तुझसे एक हाथ से उठेगी नहीं। तो मैं दोनों हाथों से उठा लूंगा। हाँ ये तो है, एक हाथ से उठेगी नहीं देवराज भाई। बहुत सड़ी के ज्यादा चलाक बनिया, मादर चोर मुझसे चलाके दिखा रही। जेब में से पैसे निकाल कितने हैं? देवराज भाई तुम्हारी जान की कसम पैसा एक भी नहीं है। साले तू अभी रुक, यही है बस, चाय झाड़ा ले लो। चल निकल, चाय यहाँ से देख के लिया। बलदेव भाई, अबे ओ भैये तू क्यों आ गया यहाँ को? यार मालिक ने देख लिया तो हमें भी नौकरी से निकाल देगा, तू जा यहाँ से। अरे उसकी क्या औकात तुम्हें नौकरी से निकालेगा, मैं खुद निकलवाना आया हूँ तुम्हें इस नौकरी से। क्या करो ये पूरे दिन लकड़ियां पकड़ियां उठाते रहो, हाथों में ठेठे तक पड़ी हुई है तुम्हारे, हालत देखिए अपनी, सुअर लगते हो दोनों के दोनों को। क्या यार क्या नौकरी करते हो, कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? 380। 680 दिलवा दूं डबल तो कैसी रहेगी? मेरे साथ चलो भट्टे पे, वहाँ काम लगवाऊंगा तुम्हारा, मालिकों वाली बात है वहाँ पे मेरी। और काम कितना है ये भी पूछो। कितना? यहाँ बैठे बैठे ईंटें यहाँ से यहाँ पहुँचानी है, बस बैठे बैठे सारा काम हो जाएगा। 680 रुपए डबल पेमेंट कैसी रहेगी बताओ? और अंदर की बात बता दूं, तुम्हारे भाई की वहाँ मालिकों वाली बात है भट्टे पे चलती है। अबे ओए तुमने फिर बुला लिया इसे, भगाओ इसे यहाँ से, ना तो तुम्हें भी निकाल दूंगा नौकरी पे से। अरे तू क्या निकालेगा समीर भाई? अबे तू क्या छोड़ भागा नौकरी साले, हम खुद छोड़ रहे हैं। अबे इतना सारा काम खराब है हमसे और क्या रुपए दे बे? 380 रुपए। और पूरे गांव में तूने हमारी थू करवा रखी है, पूरा गांव कहता है कि तुम्हारा मालिक ऐसा है तो तुम कैसे होगे? नटवर आज तू इसके चढ़ाई में आ गया, नौकरी छोड़ रहा है, सोच लिया? अभी सोच लिया, छोड़ दी नौकरी, ये बहुत शानदार फैसला हो। जाओ बेटे जाओ, और आज के बाद सूरत मत दिखा देना अपनी। अबे चल सड़ा हुए, अब क्यों दिखाएंगे तू अपनी शक्ल? आओ बे। अब देखो तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी, एक तो मेहनत नहीं पड़ेगी ज्यादा और पैसा डबल मिलेगा। वहां कर रहे हैं यार फुक्के के पास तुम साले के। मुंशी इन दोनों का नाम भी रजिस्टर में चढ़ा लो, ये भी काम करेंगे मेरे साथ। अबे चल बे भट्टे का वैसी मद्दा चल लिया, तुझे काम पर रख लिया यही बहुत है, जा जाके ईट पास। अबे ये तो काम पर रखने को मना कर रहे हैं। अबे रुक तो जा यार, जब मैं कह रही हूँ यहाँ पे भट्टे पे मालिकों वाली बात है, अपना भट्टा आए, रुक जा अभी, देख रहा हूँ इसकी। मुंशी जी प्लीज यार रख लो, मुंशी जी देखो मैं पैर पकड़ लूँ अभी आपके आगे यार, प्लीज देखो बात खराब हो जाएगी, मैंने कह दी। अरे हाँ हाँ चल ठीक है, जा अपने साथ लगा लेना काम पे। देखा तुमने, मैं पहले कह रहा हूँ मालिकों वाली बात है, छुटकी बजाते ही रख लिया ना, रख लिया तुम्हें। आओ चलो आओ, ये वाली ईंटें देख रहा हूँ, ये अब वहाँ पेड़ के पास पहुँचानी है तीनों को। अब ओ तू तो यूँ कह रही है यहाँ से यहाँ रखनी है, ये तो बहुत दूर हो जाएगा।
यहाँ से यहाँ वाली खत्म हो गई ना, भट्टे पे बहुत काम चलता, अब ये वाली भी खत्म हो जाएंगी। चल यार, हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन पहले एक बार मुंशी से बात कर ले, पैसों की बात में अच्छा ना लगता हमें। मुंशी जी, इन्हें पैसे बता दीजिए जरा, कितने रुपए दोगे इन्हें? अरे इन्हें भी भूल दूंगा, जो तुझे दे रही हूँ 170 रुपए। बताओ हाँ कर दूं मुंशी जी से, ना कर दूं, कर रहा हो काम ना करोगे? हाथी के भोसड़े, सच तुम वही थे, 380 तो मिल रहे, चल भी चला वही करेंगे, हम ना कर रहे हैं यहाँ काम। वहाँ को आप कैसे चले जाओगे? मैंने तुम्हें भड़काना दिया मालिक के खिलाफ, तुम्हारे कितनी सुना के आयो गालियां, उसे वो रख लेगा काम पे, मारेगा अलग तुम्हें। अरे बलदेव, मुझे रोक ले कहीं, इसकी गांव में चिमली ना घुस दूं मैं। अरे चल रुक जा यार, अब यही करना पड़ेगा, चल काम बता, क्या काम करना हमें? ईंटें उठानी है और क्या करना, लेकिन तुम दिल से काम करोगे ना तो तुझे यहाँ का मैनेजर बनवा दूंगा, मालिकों वाली बात है, तुझे पता ही है। काम कर यहाँ पे, चल भोसड़िया मारेगा तो बनवाऊंगा ना मैनेजर, कहीं बोल लिया हो जाता। पर पुलिस कुछ कर सकती है? पुलिस कुछ कर सकती है, क्या कर लेगी पुलिस? पुलिस देवराज भाई तो दूर की बात रही, मुझसे नजरें नहीं मिला सकती, मेरे सामने खड़ी हो जाएगी पुलिस, अगर मुझसे नजरें मिला ले पुलिस तो मैंने जानी है जा। पुलिस ए, देवराज का घर किधर है यहाँ पे? सर नमस्कार, देवराज भाई का घर। भाई, भैया है तेरा देवराज, पहले इसे गिरफ्तार कर। नहीं सर, देवराज की माँ का भोसला, मेरा काय को भैया होता, मैंने तो कल बाजार में मारने से छोड़ा उसे, कान पे उतर गई साले के। बता चल घर किधर है देवराज का? इधर से। तू तो साले पैरों में जाके गिर गया। कानून के रक्षक हैं यार, इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये माफ कर दो सर का, मुझसे गलती होगी, आज के बाद नहीं होगी। ओए ए, गन नीचे कर। ए ए, चुप करो बे कुत्तो, तूने साले मेरे सामने एक आदमी का मर्डर करा है, तुझे तो मैं जेल जरूर पहुंचाऊंगा। गोली चलाई और तेरे आदमी ने मेरी आंखों के सामने मर्डर किया है, तुम दोनों को तो जेल होने से कोई नहीं बचा सकता। 4 सेकंड, गोली तुम दोनों के भेजे से पार, पहले ये सोच तुम दोनों को कौन बचाएगा। साड़ू साहब, गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती ना होगी। अब छोड़ो, मैं आपके तो हाथ मिलाने के काबिल ना हूं। आओ भाई, चल 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 जल्दी निकल यहां से, चलना ठीक ना है। यार मैं इतने गुस्से में आया था, मैंने सोचा था मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, लेकिन यार वो इतना खतरनाक निकला कि उसे देख के मेरी फट गई। पर यार ये जो पुलिस वाली भड़ास है वो कैसे निकालूं? क्यों बे, तूने गाली बकी थी ना देवराज को? जानता है वो कितने इज्जतदार आदमी है, मेरे बड़े भाई के समान है वो। अरे ना अंकल जी, वो मैं ऐसी कह रहा था बस। अंकल कह रहा, तुझसे 2-2.5 साल छोटे होंगे मुच्छड़। तेरा फलान काट के बीच चौराहे पे टांगूंगा, पूरा गांव देखेगा तेरा फलान, समझ जा क्या कह रहा हूँ मैं। हट हट, चल चल, समझ जा। अब सुकून मिला मुझे, अब जाके लगा पुलिस हूँ मैं। सर तुमने देवराज का सारा गुस्सा इन बेचारों पे निकाल दिया। करना पड़ता है। यार कानून की इज्जत करता हूँ मैं, इस वजह से कुछ ना कहीं, वरना यही सूद देता इन्हें मैं। अबे सुन ली, दिखा है भोसड़ी। क्यों बे, अभी तक सो रही है?
चल उठ जा, तेरी शादी के लिए लड़की देखने चल रहा है। अरे पापा इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला? चल तो ठीक है, रहन दे। ना ना चल तो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त भी चलेगा समीर, वो बहुत अच्छा और भला लड़का है। हाँ चल ठीक है, बुला ले उसे भी, लेकिन जल्दी तैयार हो, अभी चल रहा। चल लो साहब नाश्ता शुरू करो। क्या है ये नाश्ता है? बेस्ती करने बुलाया हमारे यहाँ पे, ऐसा हो नाश्ता? हमारे यहाँ आना कभी, काजू बादामों से प्लेटें भरी रहती हैं हमारे यहाँ। और फटे हुए रसगुल्ले का नाम सुना? दबा के चलवाता हूँ मैं अपने यहाँ नाश्ते में। चल भी चल, रिश्ता कैंसिल ये वाला हम ना कर रहे। सबके सामने पिटेगा अच्छा लगेगा, तू बेटर है। और तुम लड़की बुलाओ यार। भूरी बेटा बाहर आओ। कितनी खूबसूरत है यार, इस सड़ौवे की होगी इससे शादी? ये सिर्फ मेरे लिए बनी है यार, इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए, समीर की दुल्हन बनेगी ये। पापा लड़की पसंद है मुझे। लो जी लो, हमारे लल्लू को पसंद है तो हमें भी पसंद है, रिश्ता मंजूर। अरे चूतिया हो क्या, एक मिनट में रिश्ता मंजूर कर दिया? गुड्डे गुड़िया का खेल ना है, शादी हो रही है। दोनों बाप बेटे पीछे जाके मशवरा करो पहले, फिर जवाब देना। जाओ। सही कह रही यार लल्ला। देखो जी भाई साहब, मेरा नाम तो आना नहीं चाहिए, इनके घर में अपनी लड़की मत दो। अबे बहुत ही सुअरों का खानदान है, पता है ये चोर चक्के हैं साले। लड़का कुछ नहीं करता, बाप कुछ नहीं करता, बाप तो इतना सुअर है तुम्हारी लौंडिया कोई कप्पेल देगा पता भी ना चलेगी। और सुनो, मेरे भट्टे पर लड़का काम करता है, मेरा खुद का भट्टा, अपनी लड़की के साथ ही मुझसे कराओ। तुझसे? हाँ हाँ मुझसे यार, भट्टे का मालिक हूँ मैं, मालदार पार्टी हूँ, और किन बहन करोड़ों से कराओगे यार। रिश्ता मंजूर है जी हमें। देखो भाई साहब, रिश्ता तुम्हें मंजूर होगा, हमें मंजूर नहीं है, हमें सच का सब पता चल गया। सच का पता? हाँ, लेकिन इन भाई सबको कुछ मत कहियो, तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया इन्होंने। भूतनी के नाम तो ले दिया। अबे भाई साहब, किसी के यहाँ रिश्ता देखने जाते हैं, गाड़ी तो खुद की खरीद लो। तुम्हारा लौंडा कुछ नहीं करता, तुम कुछ नहीं करते, हम ना करेंगे तुम्हारे घर में रिश्ता। चुप भोसड़ी के, तू इसके चलाए मारिया, और ये तेरा यार है जो हमारे खिलाफ भड़का दिया। और तुम्हें पूरी बात का पता, जिस भट्टे पे ये काम कर रहा है उस पे हमारा लोंडा काम कर रहा है, और हमारे लोंडे के नाम में ना 8 बीघे जमीन आ रही है, और इसके पास तो कुछ भी ना, अब हम ना कर रहे ये रिश्ता। अरे सुनो तो भाई साहब, गलती। अरे हटा, जानू सुन तो लो डैड क्या कह रहे हैं। देखियो पापा, इतने अच्छे घर की लड़की मुझे जानू कह रही है, मैं तो इससे शादी करूंगा। चलो ठीक है, हमारे लड़के को अब भी रिश्ता मंजूर है। ये तो फिर पक्का हो गया। लेन देन की तो बात कर लो पहले, क्या देंगे दहेज में ये? चलो ठीक है, लेन देन की बात ही क्या, लड़के को दहेज में अपाचे देंगे? ना जी ना, बिलेरो से नीचे हाथ ना रखूंगा, लड़के के नाम में 8 बीघे जमीन है। ना भाई साहब, हम कान ना देंगे, हम तो अपाचे ही गाड़ी देंगे। लो हो गया रिश्ता कैंसिल, चलो आप घर को। सुन तो लो जानू, हर बार में जानू ही कहती रहेगी दहेज न लूं। देख लो सुसर जी, मैं अपाचे में राजी हो जाऊंगा, बताओ। चल बहुत सड़ी के निकल आते।